Hi everyone, welcome back to my channel. You are watching our lifestyle and kitchen and happy holy to all and good morning. Now I hope आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आज है होली का त्योहार तो आई डोंट नो कब मैं वो वीडियो पोस्ट करूंगी पर थोड़ा तबीयत खराब वजह से मैंने वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पाया है बस थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाया है ऐसे मैंने पूजा किया है गोपाल जी को ऐसे ही त्योहार ऐसे ही तैयार किया है सिंपल सा तैयार किया है आप लोग देख सकते हो ऐसे भी मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहीं पे तो होली बिल्कुल भी मनाए नहीं जाते हैं बस ऐसे ही मैंने घर में ही ऐसे ही बना लिया है ऐसे ही थोड़ा सा रंगोली रख के गोपाल जी को ऐसे ही तैयार किया है एंड आई होप आप लोग सब बहुत ही एंजॉय किया होगा होली एंड मेरा ऐसे भी तबीयत थोड़ा खराब है ऐसे ही किया है नो मॉर्निंग का टाइम है एंड ऐसे पूजा करके बस अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मैं आज साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बनाया है जैसे कि डोसा एंड दही बड़ा एंड चटनी नारियल का चटनी वो ही बनाया था तो डोसा का भी बहुत ही अच्छा बनाया था ताकि फॉर्मेटिंग बहुत ही अच्छा हुआ था आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा डोसा एंड नारियल का चटनी एंड दही वाला वो बनाया था ब्रेकफास्ट में पूरा का रेसिपी तो नहीं दिया है क्योंकि सिंपल सा डोसा सा हर कोई के आता है तो क्या उसमें रेसिपी दूंगी आप लोग देख सकते हो दही वाला एंड नारियल चटनी जैसे कि थोड़ा सा तामरिंड एंड गार्लिक एंड हरी मिर्च वो सब डाल के नॉर्मल ग्राइंड करके उसके बाद बनाया था वो दोपहर का टाइम लस्सी बनाया था होली का टाइम तो लस्सी होना ही चाहिए ऐसे भी वो कटे चीज जो आता है वो एंड शुगर मेरा घर के पास ही है बस मैं ऐसे वर्क करने के लिए गई थी बस वैसे मेरा हस्बैंड घूम के आ जाते हैं सो पास में ही है बहुत ही बचपन का याद आ गया था उस टाइम पे इतना मेरे को तो मजा आ गया पूरा का पूरा मजा आ ही आ गया जैसे गांव में ऐसा ही होता है मेला टाइप लगता है ऐसे कुछ तो जैसे कि दुर्गा पूजा वगैरह वो सब होता है काली पूजा दुर्गा पूजा ऐसे कुछ त्योहार आता तो ऐसा ही मेला लगता है गांव में तो ऐसा टाइप का ही मेला ही लगा था तो बहुत ही मैंने एंजॉय किया है वो है जगन्नाथ टेम्पल है साइड में सबसे बड़ा ही यहीं पे सबसे बड़ा ही जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पे एंड उसके साथ तो उसके पास में जो है अंजना टेम्पल वो भी बहुत बड़ा ही अंजना टेम्पल जो हनुमान जी का जो स्टैचू है बहुत ही बड़ा आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़ा स्टैचू है एंड बहुत ही भीड़ था वहाँ पे लाइटिंग वगैरह वो सब डेकोरेट किया था बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को पूरा बचपन का याद ही आ गया था इतना एंजॉय किया मैंने तबीयत खराब था फिर भी मैंने चलो भाई ऐसे ही घूम लेते हैं थोड़ा आके एंड आप लोग देख सकते हैं यहीं पे बहुत ही एक सजावट किया है फूल से बहुत सारा फूल लगा के ऐसे सजाया है वो लोकल का भी कुछ फेस्टिवल चल रहा था होली तो है बट लोकल का भी कुछ ऐसा लोकल का लोग ज्यादा थे एंड छोटा मोटा जैसे खिलौना वगैरह छोटा मोटा शॉप वगैरह ऐसे भी खोला था जैसे मेला में लगता है वैसा टाइप का लग रहा था एंड आप लोगों को पास में एंड फ्रंट साइड में मैं दिखाती हूँ एंड बहुत सारा लोग था बहुत भीड़ भी था वो फ्रंट का है आलती वगैरह भी ऐसे हो रहा था उसी टाइम पे इवनिंग टाइम पे हम लोग जब गए थे आलती वगैरह एंड पुलिस प्रोटेक्शन जैसे कि था भी बहुत सारा पुलिस भी थे बहुत सारा प्रोटेक्शन भी था अच्छे से मास्क वगैरह वो जो कोई नहीं लगाया था उसके पुलिस वगैरह भी वो कर रहे थे तो ऐसा कुछ था बस मैं आप लोग के साथ ऐसे ही
जो छोटा छोटा क्लिप्स लिया है वही सब आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। एंड लोकल पे वही पे वो जो फ्रंट साइड में दिखा रहे है ना, वो लोकल पे कुछ ऐसा चल रहा था एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। एंड यहीं पे हैंडक्राफ्ट्स कुछ मिल रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैंने एक कुछ लाया है। एंड ऐसे भी मैंने तीन चार चीज़ कुछ लाया है वो मेला से एंड वहीं पे बना के वहीं पे दे रहे थे वो सब।